नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पुरा। दोस्तों, आज हम आपको खाना खाने के तुरंत बाद किए जाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। बहुत सी बार ऐसा होता है जब हम अधिक खाना खा लेते हैं तो उसके बाद बहुत से लोगों को पेट में भारीपन यानी ब्लोटिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है और अधिक खाने के बाद जो बेचैनी होती है, अगर आप इन अभ्यासों को करते हैं तो इन अभ्यासों को करने से आप इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद किए जाने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। ही दंडासनात की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और फिर आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं, आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान की कोई भी मुद्रा बनाकर अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को आप कम से कम 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इस अभ्यास को आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम बहुत अधिक खाना खा लेते हैं और अधिक खाने के बाद जो बेचैनी होती है, इस वज्रासना को करने से ही दूर होती है। ऐसे अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। अगर आपके घुटनों में बहुत अधिक तीव्र दर्द है, घुटनों में सूजन की समस्या है, तो आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस ना करें। जब आप ऐसे ही वज्रासना पर एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, सुप्त वज्रासना। आपने ऐसे ही वज्रासना पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने पीछे से अभी ऐसे दो तकिया रखकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। अभी मेरे पास तकिया नहीं है, हम ऐसे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रख लें और ऐसे नीचे से तकिया रखकर ऐसे ही आप सीधे लेट जाएं और कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप ऐसे ही सुप्त वज्रासना को प्रैक्टिस करें। बहुत से लोगों को पेट में भारीपन यानी ब्लोटिंग की समस्या होती है, इस सुप्त वज्रासना को करने से दूर होती है। ऐसे पीछे को लेट जाते हैं, अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे से ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। अभ्यासों में अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, कागासना योग। वज्रासना के बाद यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारा बॉडी पोस्चर भी सुधरता है। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रखते हुए ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए इस कागासना योग को प्रैक्टिस करें। ऐसे ही कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप बैठ सकते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रखकर ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। अगर आपका पेट लगातार बाहर को आ रहा है, कितना भी योगा एक्सरसाइज करने के बाद पेट में जमा फैट की समस्या या बेली फैट की समस्या दूर नहीं हो पा रही है, तो इस अभ्यास को आप खाना खाने के तुरंत बाद जरूर प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास हमारे पेट में जमा फैट को दूर करता है और जिन लोगों को झुके हुए कंधे, मुड़ी हुई पीठ होती है, उस समस्या को भी दूर करता है। हम कह सकते हैं कि यह बॉडी पोस्चर को सुधारने वाला भी एक बेस्ट अभ्यास है। जिन लोगों के पेट में अत्यधिक गैस बनती है, भारीपन पेट में, भारीपन ब्लोटिंग की समस्या रहती है, उन लोगों ने इस कागासना योग में ऐसे जरूर बैठना चाहिए। ऐसे अपने दोनों हाथों को बांध कर अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इसे करें या फिर जब आप ऐसे ही कागासना पर एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो इस अभ्यास के थोड़ा एडवांस पोज को अगर आप कर सकते हैं तभी आप प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेते हैं, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी, एड़ियों पर बैठते नहीं है, एड़ियों को खाली हल्का सा टच करते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और कम से कम स्टार्टिंग 2 मिनट फिर 5 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास हमारे पंजे, हमारे एड़ी, हमारे घुटनों को मजबूती प्रदान करता है।
अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो रही है तो आप ब्लॉक्स का सहारा लेकर भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे पास अभी अब दो ईंटें हैं, मैं इस अभ्यास को ऐसे ऐसे अपने ईंटों को ऐसे अपने हील के पास ऐसे रख लें, ऐसे हील को ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए इस अभ्यास को आप जरूर प्रैक्टिस करें।